मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना की गुत्थी सुलझाने में बोरीवली जीआरपी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने इस मामले में पालघर जिले के विरार पूर्व इलाके से एक भजन गायक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि परीक्षा देने जा रही छात्रा से भजन गायक ने उस समय छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था जब वे बोरीवली इलाके में आयोजित एक भजन कार्यक्रम से विरार लौट रही थी। वही इस मामले में बोरीवली जीआरपी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल कदम ने बताया कि 26 मार्च को सुबह करीब 6 बजे के आसपास परीक्षा देने जा रही 19 वर्षीय छात्रा के साथ बोरीवली स्टेशन पर आरोपी भजन गायक ने छेड़छाड़ की थी। आरोपी भजन गायक शराब के नशे में धुत था और वे छात्रा के साथ जबरन किस करने और उसे गले लगाने की कोशिश कर रहा था। उस समय छात्रा परीक्षा देने चली गई, लेकिन जब लौटी तो अपने परिजन के साथ अपने साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत बोरीवली जीआरपी पुलिस से की। छात्रा की शिकायत के आधार पर जीआरपी पुलिस ने छेड़छाड़ का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस की टीम को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी भजन गायक को गिरफ्तार कर लिया है। सुबह 6:15 बजे के करीब एक फरियादी छात्रा बोरीवली रेलवे स्टेशन ब्रिज के ऊपर वेट कर रही थी, उसको कॉलेज का जाना था 7 बजे का। उसी वक्त इस केस के आरोपी ने उस महिला से, वो लड़की से बात करने के बहाने उसको उसके पास बेंच पे बैठ गया और उसने लड़की को कमर को हाथ लगा के छेड़खानी की। उसके बाद लड़की वहाँ से डर के मारे भाग गई, तो उसने उसका फॉलो करके उसको पीछे से जाके उसको पकड़ने की कोशिश किया और उसके बाद वो वहाँ से भाग निकला। हमारी टीम ने हमारे पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर होने के बाद CCTV फुटेज के आधार पर उस केस का जो वांटेड आरोपी था उसको विरार रेलवे स्टेशन पे हमारे टीम ने उसको ताबे में ले लिया है और उसको उस केस में अरेस्ट करने के बाद फिलहाल अभी जुडिशियल कस्टडी में आरोपी है। उसका प्रोफेशन ये था कि जैसे कि कोई मयत होने के बाद जो 12वां 13वां के दिन जो भजन का काम करते थे उसमें वो काम करता था और जैसे कि किसी के बर्थडे पार्टी में भी गाने का काम करता था, तो उसका प्रोफेशन था। रहने वाला गुजरात का है और फिलहाल ये विरार में फुलपाड़ा के एरिया में वो रहता था। सर ये कहना है कि एक्चुअली वो बोरीवली वेस्ट में वो भजन का कुछ कार्यक्रम करने आया था और भजन का कार्यक्रम करने के बाद उसने सुबह कुछ दारू पिया था, नशा की थी और उसने नशे में ऐसा काम किया है, ऐसा उसका